उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मोदी के कैमरामैन ने बेहद चौंकाने वाला काम कर दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है और दावा ये भी किया जा रहा है कि दरअसल इस वायरल वीडियो में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच अकेले मोदी की तस्वीर दिखाए जाने के उद्देश्य से यूपी के सीएम योगी का चेहरा ब्लर कर धुंधला कर दिया गया है। इस दावे के साथ सोशल मीडिया यूजर्स और विपक्षी नेताओं ने आगे लोग केजरीवाल के उस बयान को भी याद कर रहे हैं जिसमें केजरीवाल ने हफ्ते भर पहले दावा किया था कि 4 जून के बाद योगी की कुर्सी छीन ली जाएगी। राहुल तंवर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या ये धुंधला किया हुआ चेहरा उत्तर प्रदेश के भावी पूर्व सीएम का है? क्या जून जुलाई 2024 के रुझान अभी से आने शुरू हो गए हैं? क्या 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एकदम सटीक भविष्यवाणी कर दी थी? एक पैरोडी यूजर ने फिरकी लेते हुए कहा, अजय विष्ट को ढूंढने वाले को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। आखिर यूपी के सीएम को किसके आदेश पर उनका चेहरा ब्लर कर छुपा दिया गया है? दोस्तों, ये तस्वीर वाकई आपको भी चौंका रही होगी। आखिर अपने ही खेमे के मुख्यमंत्री, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े प्रदेश के चेहरा है, उनका चेहरा किसके आदेश पर ब्लर किया गया है, छिपाया गया है? क्या मोदी की महत्वाकांक्षा और उनकी आत्ममुग्धता कैमरे पर इस कदर हावी है कि वो अपने ही खेमे के नेताओं के अपमान के बारे में भी नहीं सोच पा रहे? खैर, लोग इसे योगी आदित्यनाथ का अपमान भी बता रहे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ का चेहरा दरअसल ANI न्यूज के लोगों की वजह से छुप गया था। इस वीडियो को इस्तेमाल करते हुए हिंदी खबर नाम के मीडिया चैनल ने ANI का लोगो ब्लर करने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ के चेहरे का ब्लर करने जैसा साइन प्रस्तुत कर दिया है। अब इस वीडियो को लेकर ये दावा करना कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा छुपाने के लिए ये ब्लर किया गया है, सही नहीं होगा। दरअसल ANI का लोगो छिपाया गया है। फिर भी सपा नेता IP सिंह ने एक पुराने मामले को भी याद दिलाया है जिसमें मोदी के गाड़ी के पीछे योगी आदित्यनाथ को अकेले पैदल चलते हुए देखा गया था। IP सिंह ने लिखा, छत्री समाज और यूपी के लोग अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का ये घोर अपमान भूल गए जब उन्हें मोदी जी सड़क पर पैदल छोड़कर चले गए थे। अगले महीने 4 जून के बाद देश में मोदी रहेंगे या योगी रहेंगे? इन सब के बीच भाजपा उत्तर प्रदेश का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है जिसमें BJP यूपी ने प्रदेश के प्रशासन व्यवस्था पर उंगली उठाई है। BJP यूपी ने ट्वीट किया है कि सफाई गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक है। अब इस ट्वीट को लेकर लोग भाजपा द्वारा अपने ही मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठाए जाने को लेकर हैरान हैं। इन सब घटनाओं का कंक्लूजन ये निकाला जा रहा है कि योगी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। इस बीच योगी का चेहरा मंदिर में मोदी के बगल ब्लर किए जाने के मामले ने संभावनाओं पर चर्चा और तेज कर दी है। एक यूजर ने कहा, यूपी के सबसे बड़े चेहरा योगी का चेहरा ब्लर कर दिया गया है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। योगी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या योगी जी की ये सबसे बड़ी गलती थी कि वो आदरणीय के कैमरा फ्रेम में आ गए? कुछ दिनों बाद उनकी कुर्सी भी गायब होने वाली है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।